Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. थैंक यू सो मच. एक साल कंप्लीट होने के लिए हमें इतना हम जितना बिजी रहते हैं काम में कि हमें वो रियलाइजेशन आई थिंक सोशल मीडिया पे जाकर मिलती है कि इतने सारे लोगों ने इतने सारे पोस्ट बनाए हैं. सो एग्जैक्टली थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम बिकॉज इतना प्यार जो मिल रहा है उससे पता चलता है कि एक साल में कितना इम्पैक्टफुल रहा है ये जर्नी. पिछले दो साल जो गए मतलब 2020-2021 ये दो साल जो बीते हैं वो पूरे विश्व के लिए बहुत तकलीफ देह थे. तो इसीलिए जब वागई की दुनिया आया और उस बैकड्रॉप पे आज हम एक साल पूरा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जी हाँ लोगों को होलसम एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है. हम कहते रहते कि नहीं OTT की वजह से टेलीविज़न जो है वो कहीं क्या कहूँ उसे ओवर शैडो कर गया है OTT. वैसा नहीं है. टेलीविज़न का एक अपना एक वर्ग है, अपना एक ऑडियंस है और जो शिद्दत से और पूरे दिल से यू नो एंजॉय करते हैं. और वाकई की दुनिया की गुडविल इतनी है कि सब बहुत वेट कर रहे थे इस शो के लिए. तो हाँ कोविड काल में मुझे लगता है कि वाकई की दुनिया एक बहुत सही शो है. हमने सोचा ही नहीं था. हाँ, वैसा नहीं सोचते. कोई एक्टर है ना अगर ऐसा सोच के काम करेगा तो फिर मुश्किल हो. और हमारे वर्कशॉप्स और रीडिंग्स और इस सब में हम इतने बिजी थे कि अच्छा करने में शायद इतने बिजी थे कि ये सोचना कि वो अच्छा करने का रिजल्ट क्या आएगा वहाँ तक नहीं पहुँचे थे हम लोग. सब साथ मिलकर काम कर रहे थे और एक नया तरह का शो था, नई तरह की जर्नी थी टीवी पे तो वो उसके मजे ले रहे थे हम लोग एक्चुअली. और हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि आपको वाकई में पता नहीं होता. तो मेरे ख्याल से वो छोड़ ही देना चाहिए. बस वो छोड़ देना चाहिए. अपनी तरफ से एंजॉय करो. बहुत सारे मोमेंट्स आप देखिए ना एक साल में कितने 265 पौने 300 एपिसोड्स हो चुके हैं. बहुत सारे मोमेंट्स हैं लेकिन पहला एपिसोड बार बार याद आता है जब मम्मी पापा मतलब श्रीनिवास वागई और राधिका वागई दादर से यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो वो वाला एक बड़ा प्यारा मोमेंट बन गया था. और वैसे मेरे और वंदना के मोमेंट्स बहुत प्यारे हैं या फिर हम बच्चों के चारों हाँ बच्चों के साथ. एंड प्लस अभी जो पड़ोसियों के साथ भी जो केमिस्ट्री आई है तो एक बिग हैप्पी फैमिली वाली वो जो फीलिंग आई है आई थिंक सारे लोग चाहते होंगे कि उनके सोसाइटी में ऐसे फ्रेंड्स हो, ऐसे नेबर्स हो कि दोस्त हैं कभी बस दक्षिण जोशीपुरा ना हो. बट ही स्वीट. ऑफ कोर्स ही स्वीट. बस वागई की दुनिया देखते रहिए. एक साल अब पूरा हो गया है और प्यार देते रहिए. प्यार देते रहिए और आप अपनी सूचनाएं हमेशा देते रहते हैं. आपको जो अच्छा लगता है वो भी आप तारीफ भी करते हो एंड एट द सेम टाइम आप हमें गलतियां भी ठीक करते हैं जिसकी बहुत जरूरत है. तो सोशल मीडिया का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं आप सब लोग. धन्यवाद. अपना ख्याल रखिए. मास्क पहनिए. हाँ यस.